नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। गाइस, एक शॉर्ट रिव्यू पैंथर्स वर्सेस टाइगर्स के बीच जो होने वाला है पांडिचेरी T20 का, आज का दिन का सेकेंड मैच। मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम 7:30 बजे रात को, ठीक है? तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो। अब तक पैंथर्स ने ना एक मैच खेला अपना, वो मैच विन किया इन्होंने। टाइगर्स ने दो खेला, एक जीता एक हारा। तो यहाँ पे ये मैच दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके मैं मानता हूँ कि जो डेथ बॉलर्स है उसको सबसे पहले मार्क करो। अकॉर्डिंग टू टॉस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पूरा वीडियो का ध्यान से देखोगे ना, शॉर्ट होगा वीडियो, बट इतना इन्फॉर्मेटिव होगा कि आप अकेले खुद बेटर टीम क्रिएट कर पाओ। एंड इसके बाद हम लोग जो मैचेस कवर करेंगे एंड जिसके अपडेट्स मिलेगा वो रहेगा कौन से मैचेस, बुखाटी T10 के दोनों मैचेस कवर करेंगे, फिर मॉर्निंग में पांडिचेरी T20 का कवरेज करेंगे, फिर ACS के मैचेस के कवरेज। देखो इतने सारे मैचेस हैं ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादातर मैचेस में कवरेज दूँ। तो आप लोग जरूर से, आप अगर चैनल में न्यू हो, आपको डोमेस्टिक खेलना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड टेलीग्राम अगर आप इंटरनेशनल भी पसंद करते हो तो जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इंटरनेशनल का भी अपडेट दिया जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन वाला लिंक यूज़ कर सकते हो। और अगर लिंक यूज़ काम नहीं कर रहा है तो सर्च @ लगा के टीम्स FDF कहीं पे गलती से भी स्पेस मत लगाना। आता हूँ मैं गाइस अभी एनालिसिस सेक्शन में। पैंथर्स अगर ध्यान दोगे ना, देखो इस टूर्नामेंट का मैं पहले बात कर रहा हूँ, 140-160 रन एवरेज स्कोर, न्यूट्रल ट्रैक है, बट टूर्नामेंट के कई मैचेस खेलने के बाद ना थोड़े से स्लो होते हैं टूर्नामेंट। ये मैं जो T10 स्टैट T10 हुआ है, उससे पहले ओमेंस T10 हुआ है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग बता रहे हैं। पैंथर्स से अगर ध्यान दोगे ना, अविनाश यादव ओपन कराएगा अमित जीशान के साथ, अच्छा खेला है दोनों ने, बट अगर टीम में चेंजेस नहीं होता है तो इनका मिडल ऑर्डर बहुत वीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से कान लगा के सुनो, इनका मिडल ऑर्डर बहुत ज़्यादा वीक है अगर यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर ऐड नहीं होता है, ठीक है? मैं नीचे रिकॉर्ड दे दूंगा आप लोग को, डोंट वरी। बट इनके पास बॉलिंग अटैक जो है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर शानदार बॉलिंग अटैक है और जिसके ऊपर बेस करके ये टीम अगर बॉलिंग फर्स्ट किया तो अच्छा प्रेशर क्रिएट करेगा ओपोनेंट के ऊपर। अरविंद राज गाइस कोई नहीं ले रहा है, बट मैं मानता हूँ कि अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है ना, सबसे बढ़िया पंत है, इवन बैटिंग फर्स्ट में भी, क्योंकि पता है ये बंदा ना श्योर शॉट आपके लिए ना वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर है, बट पता नहीं इतना नीचे क्यों बैटिंग कर रहा है। केबी नायर बॉलिंग सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग फर्स्ट भी ट्राई कर सकते हो। अलविन मैथ्यू मस्ट पिक है, बॉलिंग फर्स्ट कैप्टन बनाना, बॉलिंग सेकंड में टीम में रखना। साई चेतन का बॉलिंग यूनिट है, तो ओवरऑल देखोगे इनके पास 5-6 बॉलर बहुत ही अच्छे हैं। सरप्राइजिंगली इकलाश नाहा ने लास्ट मैच में ओवर कंप्लीट कराया था, बट ये आइडियली 4 ओवर डालने वाला बॉलर है ही तो नहीं गाइस, यहाँ पे है ऑलरेडी अरविंद राज 4 ओवर डालने वाला बॉलर, स्ट्रीट लेवल असीत, या फिर आप बोल सकते हो आर आदित्य रेड्डी। रिसेंटली T20 T10 में अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहा है, तो आदित्य रेड्डी बैटिंग फर्स्ट जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स खेलते हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। कौन? आदित्य रेड्डी, ठीक है। इकलाश नाहा बैटिंग फर्स्ट जरूर ट्राई कर सकते हो, ये टीम बहुत मुझे स्ट्रांग लग रहा है। ओपनिंग बॉलर अशित, अलविन मैथ्यू, अरविंद राज, डेथ में अलविन, अरविंद राज, अशित। इनका पास के रिकॉर्ड देखोगे, खास करके करेंटली T10 खेल के आ रहा है, उनमें से अविनाश यादव का परफॉर्मेंस अच्छा था, डी रोहित अगर खेलता है तो स्टेट लेवल प्लेयर है, छोड़ना मत। अमित जीशान ने बहुत अच्छा खेला नहीं था T10 में, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये T20 वाला प्लेयर है, T20 या फिर वन डे वाला प्लेयर है, उतना शॉर्टर फॉर्मेट में ये चले नहीं थे लाइक AS गोविंदर राजन, बट दोनों ने करेंटली T20 जब से स्टार्ट हुआ अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। इकलाश नाहा उससे पहले 2021 T20 सीजन में 25 का एवरेज से रन बनाया, ओवर है, विकेट है, प्लेयर अच्छा है, ट्राई कर सकते हो। आदित्य रेड्डी देखो T10 में 15 मैच में 16 ओवर, मतलब हर मैच में ओवर तो कंप्लीट नहीं कराया, बट बैटिंग से अच्छा हिटिंग कराया, तो बैट फर्स्ट जरूर ट्राई कर सकते हो आप लोग चाहो तो। असीत का T10 का रिकॉर्ड अच्छा खासा था, सीधा गुरविंदर खेलता है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर मिल जाएगा और मिडल ऑर्डर के बैट्समैन भी। अलबिन ने अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहा है रिसेंट टाइम्स में। अरविंद राज देखो कितना बेहतर इनका बैटिंग यूनिट है, इनका कितना बेहतरीन बैटिंग से परफॉर्मेंस था, पता नहीं इतना नीचे क्यों बैटिंग कर रहा है बंदा। और विकेट देखो 14 मैच में 18 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से। साई चेतन, मयंक पांडे खेलता है तो अच्छे पीक होंगे, आदित्य सिंह चौहान, टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अब उसको उसको खिलाएगा नहीं खिलाएगा ये मैनेजमेंट के ऊपर है। टाइगर्स से अगर ध्यान दोगे ना, इनका जो स्ट्रांग पॉइंट है टॉप 3, बट इनके पास भी थोड़े से फिनिशर वाला इशू हो सकता है, बट इनके पास ना पारस रत्नापरखे जैसे प्लेयर है जिन्होंने लास्ट मैच में 33 खेला था, बहुत अच्छा बैट्समैन है और ये अच्छा खासा बॉलिंग करा सकता है, अब तक किया नहीं है, तो बैटिंग फर्स्ट जरूर ट्राई करना किसको, पारस रत्नापरखे को, कि अरविंद मस्पीक है, मथन एम को सभी लेगा और आर रघुपति का इस क्या ही प्लेयर है, मैं नीचे रिकॉर्ड बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। जूलियन जैकब ने लास्ट मैच में 3 ओवर कंप्लीट कराया था और बैटिंग से भी पॉइंट्स दिए थे गाइस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैट बॉल दोनों से पॉइंट देगा, बॉलिंग फर्स्ट कैप भी से बना सकते हो आराम से। जसवंत ने लास्ट मैच में विकेट लेस थे बट प्लेयर अच्छा है। शिवा कुमार 4 ओवर कंप्लीट कराया, साई शरण, आर विजय। अब इनके जो राइट एम मीडियम वगैरह है ना, इनको मैं कब लूंगा पता है आपको, मैं बॉलिंग फर्स्ट लेने वाला, क्योंकि अगर बॉलिंग फर्स्ट में यहाँ से कोई बंदा 2 डेथ किया तो आपको विकेट मिलेगा, ठीक है, बॉलिंग सेकंड में ऐसा हो सकता है कि कुछ खास किया नहीं, तो मैं बॉलिंग सेकंड नहीं लूंगा, बॉलिंग फर्स्ट रखूंगा।
ओपनिंग बॉलिंग वी राजा, साई शरण, जसवंत। डेथ में कौन? वी राजा, शिवा कुमार, साई शरण। इसीलिए मैं जो फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग में इनके डेथ बॉलर जो है ना, वी राजा, शिवा कुमार, साई शरण को ट्राई करने वाला हूँ। एम मथन का अगर T10 में रिकॉर्ड देखोगे, 19 का एवरेज से 251 रन, अच्छा खासा हिटिंग कराया था। बट आर रघुपति कोई नहीं ले रहा है, 14 मैच में 252 रन था बंदे का। कितना अच्छा T10 सीरीज था, बट T20 में दोनों मैच में चला नहीं है। बट इसका मतलब नहीं है कि प्लेयर का क्लास गिर जाता है, प्लेयर क्लास प्लेयर है, मेरे हिसाब से जरूर लेना चाहिए। अरविंद एक और प्लेयर जिन्होंने T10 में ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बट T20 अच्छा खेल रहा है। क्योंकि ये जो प्लेयर है ना, के अरविंद, अमित जीशान, फिर AS गोविंदराजन आपको मिलेंगे गाइस, ये प्लेयर्स ना T20 के लिए ज़्यादा बेटर है, वन डे के लिए ज़्यादा बेटर है रेदर देन T10। एस जसवंत ने 12 मैच में 11 विकेट निकाला था। रत्न बरखे का विद बैट कितना अच्छा खासा रन था, बंदे ने 13 ओवर भी डाला, बॉलिंग कर सकता है। जूलियम जेकब ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा है 2021 वाला सीजन में। और नीचे के इनके जो बॉलर्स हैं ना, इनका देखोगे 14 में 9, 14 में 7, 11 में 7, मतलब इस टीम का जो वीकनेस है ना वो है इनका बॉलिंग यूनिट, 14 में सिर्फ 8 आर विजय का। तो इस टीम का बॉलिंग यूनिट में थोड़ा सा वीकनेस है, तो शायद मैं कम ही लूँ इनके बॉलर्स को। फिलहाल मैंने ये टीम क्रिएट किया, बॉलिंग फर्स्ट विजय ठीक है, बॉलिंग सेकंड विजय को मैं ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉलर में ट्राई करूंगा किसका, इनका लाइक अरविंद गोविंदराजन हो गया, ऐसे ऑलराउंडर को मैं लेने वाला। जूलियन जेकब, रत्नाभर के, एस जसवंत हमारे पास, कैप्टन के अरविंद, वीसी मैंने सेव किया, रघुपति को ट्राई किया, अविनाश और एम मथन। गाइस ये रहेगा फिलहाल मेरा इस मैच का अपडेट। मेरा मानना है कि थोड़ा सा लेस इन्वेस्ट करके ऑब्जर्व ज़्यादा कर सकते हो, रेस्ट गाइस आप चाहो तो वन प्लेयर फैंटेसी लाइक कुबेरा की डुओ मोड्स में जरूर ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो, उसके बाद आपको फ्यूचर में अपडेट, डुओ का पिक्स वगैरह मिल जाएगा। तो जुड़ जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे।